हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्रश शेयर करने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस हैं और क्या आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये बता दूँ, जो ब्रशेस हैं यहाँ पे, इसका यूज आप किन किन चीजों में कर सकते हैं। तो इसका यूज आप ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर एंड एक्रेलिक कलर, ये तीनों में यूज कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर एंड एक्रेलिक कलर। और ये सारे जो ब्रशेस है अलग अलग शेप में है, अलग अलग नंबर की ब्रशेस है और काफी यूजफुल है। और जो मैंने ये मंगवाया है काफी कम प्राइस में मंगवाया है, बहुत ही कम प्राइस में। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, मैं कह भी रही थी कि लखनऊ से मैं सारे मटेरियल मंगवाने वाली हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारे मटेरियल को लेके। तो फाइनली मेरे जितने भी मटेरियल है वो आ चुके हैं और वन बाय वन करके मैं अनबॉक्सिंग करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये भी बताऊंगी कि दाम में कितना अंतर है और क्या आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, इस ब्रश का जो प्राइस है मुझे 550 के आसपास पड़ा है, मुझे 575 ऐसी समथिंग पड़ा है मुझे 575। जबकि इसका जो रियल प्राइस है, अगर मैं यहाँ पे MRP दिखा दूं तो 900 है। ठीक है, 900 है। अगर आप ऐसे भी ऑनलाइन लेना चाहो या फिर मेड इन इंडिया है ये ब्रश, तो बहुत काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन मैंने वहां से मंगाया तो काफी, जितने भी मटेरियल मैंने मंगाया है काफी सस्ती पड़ी है मुझे। और आज तो मैं ब्रश को लेके बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं हर एक मटेरियल को लेके बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, 0 की है, 4, 12, 6 206 की है, जो अलग अलग शेप में है। ठीक है, सारे ब्रशेस अलग अलग शेप में की है। 8 नंबर की 3 ब्रशेस है, तीनों अलग अलग शेप की है, और एक 10 की है और एक 12 की है। तो सारे अलग अलग नंबर की ब्रशेस है और टोटल ब्रशेस यहाँ पे 9 टोटल अलग अलग ब्रशेस है। अभी तक मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है, तो ओपन करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे कुछ ब्रशेस को लेके लिखा हुआ भी है, तो वो भी पढ़ेंगे कि इसका यूज जो है आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, और इस तरीके का कैप जो ऊपर से लगा रहता है ताकि ब्रश जो है आपका वो सेफ रह सके। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स की ब्रश ऐसे रखी हुई है और जब आपको यूज करना है तो बस यूं इस तरीके से निकालना है ब्रश को और यूज करना है और फिर वापस से इसी में शेप में, ये एक तरह का इलास्टिक है ये, तो आप इसमें आराम से डाल दो। तो जब आप ब्रश खरीदने तो इसको कट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसको कट बिल्कुल ना करें। और यहाँ पे मैं पीछे देखती हूँ तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन लिखा हुआ है इसको लेके। ठीक है, ब्रश केयर को लेके कुछ गाइडलाइंस लिखे हुए जिसको फॉलो करना है ताकि आपका ब्रश जो है लंबे समय तक और सेफली चल सके। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि ये ब्रश का यूज ऑयल, एक्रेलिक और वाटर, ये तीनों के लिए यूज कर सकते हैं आप, तीनों के लिए, मतलब एक ब्रश लिया और तीनों के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उससे उसके लिए आपको अपने ब्रश को अच्छे से शार्प करके रखना है, साफ करके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब अगर आप ऑयल के लिए काम कर रहे हैं तो ऑयल कलर करने के बाद क्लीन कलर थ्रोली विथ थिनर और टर्पेंटाइन, राइंस इन सॉप एंड वाटर दी सेप विथ फिंगर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप यूज कर लिए इसके बाद क्लीन करने के लिए आप टर्पेंटाइन का यूज कीजिए या थिनर का यूज कीजिए। ठीक है, थिनर या टर्पेंटाइन से अच्छे से क्लीन कर लीजिए ब्रश को जब आप काम कर लेते हैं ऑयल कलर का। उसके बाद आपको साबुन से उसे अच्छे से शार्प करके धोना है और उसके बाद फिर रिशेप करना है आपको उसी शेप में, फिर रिशेप करना फिंगर से उसको रिशेप कर लीजिए। वैसे जब आप एक्रेलिक कलर के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखा है, डू नॉट अलाउ पॉइंट टू ड्राई ऑन ब्रश, वॉश जेंटली विथ वार्म वाटर, राइंस इन सॉप थ्रोली एंड रिशेप विथ फिंगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि
हल्के गर्म पानी से ब्रश को धोना है काम करने के बाद, जब आप इकड़ने का काम कर लीजिएगा। उसके बाद वैसे ही सोप से उसको साबुन से धोइए और फिर ब्रश को रिशेप कर दीजिए जिस आकार में उसको फिंगर से रिशेप कर देना है, क्योंकि धोने के बाद ब्रश जो है इधर उधर बिखर जाएगा, तो उसको अच्छे से फिंगर से आपको ठीक कर लेना है। और वाटर कलर में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉश जेंटली विथ वार्म वाटर, राइंस इन सॉप ट्रोली एंड रिशेप विथ फिंगर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय आर्ट ब्रश इंडस्ट्री, ठीक है, ये मेड इन इंडिया ब्रश है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ, मैं सामने से दिखाऊं तो आपको, एक मिनट, यहाँ पे है GTB 122 BS GTB दिल्ली से है ये मैन्युफैक्चर। और यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट करना भी चाहे तो आप कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्रश मैंने लखनऊ से मंगाया है, ठीक है, और प्राइस भी मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है। तो अगर आप परचेज करना चाहो गाइस तो बिल्कुल कर सकते हैं, और ये सही लग रहा है छूने पे भी। अभी तो मैंने काम किया नहीं है इसको लेके, अभी मैं काम करूंगी और जब काम करने के बाद मुझे और अच्छा लगेगा तो मैं एकदम से कहूंगी कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतने ही, आई होप आज का जो वीडियो है ब्रश को लेके मटेरियल आपको पसंद आया हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही मैं बता दूं कि ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस अभी बैक टू बैक मिलेंगे आपको मटेरियल को लेके, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल मैंने अलग अलग मंगवाए हैं, तो आपको मटेरियल को लेके अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जो आपके बिल्कुल काम लायक है। तो बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो बैक टू बैक सबसे पहले आपके फोन पे आए, और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को ताकि आप ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।